संत नामदेव महाराज यांची जी ख्याती आहे ते महाराष्ट्रातच नाही तर ती पंजाबच्या घुमावपर्यंत पोचलेली आहे. तसंच संत नामदेव महाराज यांनी अनेक अभंग रचलेले आहेत. जवळपास 2500 अधिक अभंग त्यांनी लिहिलेले आहेत. तसेच त्यांनी जर त्यांचे अभंग जर पाहिले तसं त्यांनी कीर्तनाच्या माध्यमातून भागवत धर्माचा जो प्रसार आहे तो थेट पंजाबपर्यंत केलेला आहे. तसंच लहानपणापासून जर पाहिलं तर लहानपणापासून ते विठ्ठलमय झाले होते. आता त्या संदर्भातील अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पंजाबहून खास पाहुणे जे आहेत ते इथे वाशीमध्ये आलेले आहेत, मुंबईमध्ये आलेले आहेत. संत नामदेव महाराज यांच्या जे पादुका आहेत त्यांच्या पादुकांचं दर्शन घेण्यासाठी ते थेट पंजाबवरून आलेले आहेत. आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत, आपण त्यांना विचारणार आहोत की संतांचं किती महत्त्व आहे. सर काय सांगाल, संत नामदेव महाराजांचं महत्त्व सर किती महत्त्वाचं आहे? ओके, ये संत जो है संत नामदेव जी, उनका जन्म जो इधर महाराष्ट्र में नरसी नामदेव में हुआ था और इन्होंने अपना जो अंतिम स्थान जो उनका अंतिम समय है वो गुमान में उन्होंने व्यतीत किया और 18 साल उन्होंने गुमान में रह के तपस्या की और जो शब्द उच्चारण किए वो हमारी सिखों की होली बुक श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके शब्द हैं. तो वहाँ से ये पहली बार हुआ है कि हम लोग घुमान से, ये हमारी नामदेव दरबार कमेटी है, ये हमारे अध्यक्ष साहब हैं साथ में और साथ में ये भी अध्यक्ष हैं उधर के मंजिंदर सिंह जी. तो हम सब पहली बार हुआ है कि घुमान से महाराष्ट्र जो बाबा की चरण पादिका है वो लेके आए. सर आप पहली बार घुमान से यहाँ पे आए हैं और आपने दर्शन भी लिया है और भूतों न भविष्य दे ऐसी संकल्पना लेकर ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया है, तो आपको इससे क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सकाल वालों ने जो ये चरण पादुका जो संतों की जहाँ लाकर लोगों को दर्शन करवाने के लिए लाए हैं, ये बहुत बड़ा कार्य किया. हम देख रहे हैं कल से ही इतने लोगों की श्रद्धा, समय निकाल कर लाइनों में लग कर वो सब चरण पादों की को भी दर्शन करने के लिए. हम श्री नामदेव दरबार कमेटी गुमान की ओर से ये हमें पहल बोला गया आप भी, क्योंकि बाबा जी का जन्म स्थान जो है नरसी नामदेव महाराष्ट्र में है, तो आप गुमान में उनका जो अंतम समाधि स्थान है आप जरूर लेकर आए. तो हमें हम जो सकाल वालों ने जितने भी पत्रकार हैं उन्होंने बोला आप लेकर आए, तो हम ये चरण पादुका लेकर आए हैं और बहुत ही मन खुश हुआ कि इतने लोग और इतना बड़ा इंतजाम जो है बहुत अच्छा सकाल वालों ने किया. हम सकाल वालों के, क्योंकि मैं हम देख रहे हैं कि पहली बार, मेरा ख्याल है कि पहली बार जो चरण पादुका इतनी जो आई है, ये मौका पहली बार यहाँ प्रोग्राम किया गया है, ये सकाल वालों ने किया, ये बहुत अच्छा किया है. धन्यवाद सर. सब यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पादुका का दर्शन ले रहे हैं, सर ये कितना महत्वपूर्ण है? सर ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है. हमें आप लोगों का जितना प्यार मिल रहा है, आप लोगों को हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सभी का प्यार बहुत ही बढ़िया है. सर और एक लास्ट का क्वेश्चन था, अगर हमने देखा जाए तो जो भागवत गीता का जो प्रसार है और संत नामदेव महाराज जी ने बहुत किया है, थेट पंजाब तक किया है, तो उसके बाबत आप क्या कहेंगे? बाबा जी की वाणी जो है ना, जैसे महाराष्ट्र में अभंग लिखे हैं नामदेव जी के, इसी तरह जो गुरु हम सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है उसमें सबसे श्रेष्ठ वाणी जिसमें 61 शब्द गुरुद्वारा जो गुरु अर्जन देव पातशाह थे सिखों के पांचवें गुरु, जब गुरु ग्रंथ साहब लिखा तो उन्होंने 61 शब्द बाबा जी के अंकित गुरु ग्रंथ साहब ने किए. सर ऐसा कार्यक्रम हर साल होना चाहिए, अगर जो अभी सोशल मीडिया के जगत में अगर देखने जाए तो जो यूथ है वो यूथ भी यहाँ अट्रैक्शन होना ज़रूरी है, तो आप इसके ऊपर क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ देखो, ऐसे कार्यक्रम तो होने ही चाहिए. अगर हमारा यूथ ऐसे कार्यक्रम में शामिल होगा और ऐसे कार्यक्रम देखेगा तो अपने बच्चों को कुछ बता पाएगा. जैसे आपका जो युग चल रहा है आप देख ही रहे हो कैसे भावनाएँ हैं सबकी, भटक भी रही हैं. अगर यूथ आएगा ऐसे कार्यक्रमों में देखेगा, नतमस्तक होगा, तो उसका हमें सबको लाभ मिलेगा ही. सर लास्ट टाइम आप कब महाराष्ट्र में आए थे? आप संत नामदेव महाराज के जन्मस्थान पर वहाँ पे गए हो क्या? गए हैं जी, महाराष्ट्र नरसी नामदेव होकर आए, ओंडा नाग मंदिर देख कर आए,
ऐसे है ना, जब जितनी भी संगत पंजाब से हजूर साहब आती है ना, तो नामदेव जी का जो स्थान है ना, जहाँ जन्म स्थान है, वह सब होकर आते हैं। तो हम आते रहते, सब सब लोग जो पंजाब में आते हैं वो हजूर साहब के बाद वहाँ दर्शन करके आते हैं। धन्यवाद सर, आपने हमसे बातचीत की और आपने जो मोर इन्फॉर्मेशन है वो आपने दे दी। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। तर हे होते पंजाबहून आलेले थेट प्रमुख पाहुणे। त्यांनी संत नामदेव महाराज यांच्याबद्दल माहिती जी आहे ती अधिक प्रखरपणे त्यांनी सांगितलेली आहे, किंवा तसं त्यांनी पादुकांचं देखील इकडे दर्शन घेतलेलं आहे, तसेच याबद्दल त्यांनी अधिक माहिती जी आहे ती देखील त्यांनी तिकडे सांगितलेली आहे।